नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। ठेकेदार की कछुआ चाल बनी लोगों के जी का जंजाल। अवरोधक टीले को पार करने के लिए उठाना पड़ता है जान का जोखिम। दुकानदारों का धंधा हुआ चौपट, उड़ती धूल दे रही है बीमारियों को न्योता। जी हां, धारूहेड़ा चुंगी से अभय सिंह चौक तक निर्माणाधीन सड़क आज मार्ग में अब लोगों का जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि कछुआ गति से चल रहे कार्य को पूरा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे में लोगों को उड़ती धूल से दो चार होना पड़ता है। आपको बता दें कि वर्षों पहले जर्जर पड़े रेवाड़ी सड़क मार्ग का 14 किलोमीटर का हिस्सा वाहन और चालकों और दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, लेकिन लगभग सवा साल पूर्व लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने इलाके को 4 लेन निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखाई। लोगों में खुशी का माहौल था, लेकिन आज सवा साल बीत जाने के बाद भी धारूहेड़ा चुंगी से अभय सिंह चौक तक केवल मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, जो आज भी अधूरा पड़ा है, जिस कारण यहां पूरा दिन उड़ने वाली धूल और मिट्टी लोगों को दमे जैसी घातक बीमारियां परोस रही है। 1 किलोमीटर के रास्ते में 2 कॉलेज और 2 स्कूल हैं, जिनमें रोजाना हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण इनको काफ़ी परेशानी होती है। बच्चों को स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए देरी होती है, लेकिन निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण लोगों का व्यापार चौपट हो चुका है। यहाँ के रहने वाले और स्थानीय लोगों ने प्रशासन और विभाग से अपील की है कि इस निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि लोगों को इस निर्माण कार्य से होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। वहीं दूसरी ओर विभाग के कार्यकारी अभियंता की माने तो धारूहेड़ा चुंगी से अभय सिंह चौक तक 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य 8 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है, जिसे जनवरी 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं रेवाड़ी पलपल से महेंद्र भारती की ये रिपोर्ट। धारूहेड़ा चुंगी से राव अभय सिंह चौक तक 4 लेन सड़क बना रहे हैं। टोटल इसकी लेंथ 1400 मीटर है, 900 मीटर इसमें सीसी पेमेंट है, बाकी फ्लेक्सिबल है। और 8 करोड़ का ये टेंडर था, जिसमें सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल और यूटिलिटी शिफ्टिंग अपना पब्लिक हेल्थ की लाइन डालने का था लिंक, तो अभी वो चल रहा है और 17 जनवरी 2019 तक कम्प्लीट हो जाएगा। और क्या क्या दिक्कतें आ रही है सर इसमें, जैसे शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम आ रही कोई? शुरू में आई थी वो, तो अब तो रिमूव करके अब आगे करने लग रहे हैं। शुरू में इलेक्ट्रिसिटी की आई थी दिक्कत, वो रिमूव हो गई है। यूटिलिटी क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या है यहाँ पे? सरकार मतलब काम तो कर रही है, पहले यहाँ पे बिल्कुल बेकार थे यहाँ की रोड वगैरह, अब यहाँ पे वो काम करवा रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, उसके बच्चों को स्किन प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारे इन्फेक्शन फैलते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पे ये कचरा वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये काम 2-3 महीने हो जाता है, लेकिन सरकार इसको बनाने में 1 साल हो गया, कितने महीने हो गए हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी करवा दीजिए ताकि यहाँ के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उनको कोई इन्फेक्शन भी ना हो। तमन्ना क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या आ रही है इसे? 1 साल से यहाँ पे काम चल रहा है, रोड का वो तक पूरा नहीं, और 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो प्रॉब्लम्स होती है स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स को। 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं स्कूल और कॉलेज में, तो उनको सांस की प्रॉब्लम और धूल मिट्टी से आंखों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि वो जल्दी। मेरा नाम रहसुल हसन है और यहाँ पे नाला काफी समय से बन रहा था, बहुत खोल के जगह पर छोड़ दिया ठेकेदार ने, अपनी कमी छुपाने के चक्कर में जगह जगह गड्ढे खुदे हुए, पानी भरा हुआ है, दुकानदारी चौपट हो रही है, काम ना धंधा कुछ भी नहीं है, खाली बैठे हैं, ऐसा कोई काम नहीं रहा जो उन्हें बचा हो, जगह जगह पानी भरा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी वगैरह सारा उड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी पड़ी हुई रोडों पर, जगह जगह रास्ता तोड़ देते हैं ये, और ठेकेदार अपना काम कर नहीं रहा है, सरकार को इस तरफ ध्यान नहीं है। पूरा 1 साल हो गया रोड बनता बनता और अभी तक रोड तैयार नहीं हुआ, अब इसके बारे में जल्द से जल्द सरकार इस काम को करे, तो हम दुकानदारों का भी काम चल सके।
पूरा। मेरा नाम जंग बहादुर है। जंग बहादुर क्या कहेंगे इस समस्या आ रही इस काम से? समस्या साहब ये आ रही है कि जब ये टार वॉल की फर्श कटी थी, जब से गर्ता उड़ने शुरू हो गया था काली मिट्टी, जब से वो हमारे खांसी में शुरू हुआ था, जब से हमारे एलर्जी बन चुका है, ये गर्ता उठने से ज्यादा हम ज्यादा खांसी से लंबी बीमार हो चुके हैं हमारे, जितनी जल्दी हो सके। मेरा नाम लक्ष्मीचंद यादव। लक्ष्मीचंद कैसे परेशानी हो रही है? खूब परेशानी हो रही है साहब, सीमा से ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्राहक आ नहीं रहे, सामान दिख नहीं रहा, सामान बर्बाद हो रहा है। गंदा चौपट क्या, किस तरह से बीमारियां फैल रही हैं? बीमारियां अनेक फैल रही हैं, सांस बीमारी फैल रही है, मच्छर बीमारियां फैल रही है। नरेंद्र क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या बनी हुई है? सर समस्या तो क्या बनी है, काफी टाइम हो गया, समझ लो एक साल के आसपास हो गए, यहाँ पे रोड बन नहीं रहा है ढंग से, गंदा और चौपट हो गया हमारा, दुकान पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, दुकान पे ग्राहक आ नहीं रहे, धूल मिट्टी भी उड़ रही है। धूल मिट्टी तो सर उड़ेगी जब। किस तरह की समस्या आती है धूल मिट्टी से? सर धूल मिट्टी से समस्या ये है कि सांस की बीमारी हो जाएगी।